बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 फरिश्ते इस तस्बीह के लिए झपट पड़े। घंटों में मुश्किलात के हल का नक्श। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त तस्बीह बताने जा रहे हैं जिसके इस कदर फ़वाद व फ़जाइल सामने आए हैं कि जिस ने यह तस्बीह की वो हैरत में पड़ गया कि किस तरह नामुमकिन काम मुमकिन हो गए। इस तस्बीह में अल्लाह ने कोई बहुत ख़ास रूहानी तासीर रखी है कि जो शख्स जिस जायज़ मकसद के लिए भी ये तस्बीह करता है तो उसका वो मकसद दिनों में नहीं बल्कि घंटों में पूरा होता देखा गया है। इस तस्बीह के फ़ज़ाइल हम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका की रूह से बताते हैं। उसके बाद हम इस तस्बीह के चंद फ़वाइद आपसे शेयर करेंगे जो हमें उन साइलिन ने बताए हैं जिन्हें हमारे बुज़ुर्गों ने यह तस्बीह पढ़ने की ताकीद की। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ा रहे थे कि इतने में एक शख्स आया और मस्जिद में दाखिल हुआ। उसकी सांस फूल गई थी तो उसने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाही हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीही। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं, ऐसी तारीफ जो पाकीज़ा बबरकत हो। उसने ये मुकद्दस कलिमात पढ़े तो जब रसूल अल्लाह ने अपनी नमाज पूरी कर ली तो पूछा कि ये कलमे किसने कहे थे। लोग खामोश रहे तो आप सरकार ने फरमाया, उसने कोई काबले हर्ज बात नहीं कही। तो उस शख्स ने कहा कि मैंने, ए अल्लाह के रसूल, मैं आया और मेरी सांस फूल रही थी तो मैंने ये कलिमात कहे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 12 फरिश्तों को देखा, सब झपट रहे थे कि इसे कौन ऊपर लेकर जाए। नाज़रीन, हमारे बुज़ुर्गों ने चंद ऐसे साइलिन को ये तस्बीह पढ़ने की ताकीद की जो 5-5 साल से मुख्तलिफ तस्बीहात और वज़ाइफ़ पढ़ते थे और कहते थे कि हमारा मकसद अभी तक पूरा नहीं हो सका। हमारे बुज़ुर्गों ने उन्हें इस तस्बीह के फ़ज़ाइल में यही हदीस मुबारका सुनाई और फिर उन्हें ताकीद की कि इसे हर नमाज के बाद 41 मरतबा अपने जायज़ मकसद को जहन में रख कर पढ़ो, इंशाल्लाह तुम्हारा वो मकसद पूरा होगा। नाज़रीन, उन साइलिन ने यह तस्बीह की तो वो इसके फ़ज़ाइल और रूहानी फैज़ देख कर हैरान रह गए कि जिन पर लाखों रुपया कर्ज था उनका कर्ज चंद घंटों में ऐसे वसाइल से अदा हुआ कि जहाँ से उन्होंने गुमान भी ना किया था। बीमारों को ये तस्बीह करने से अल्लाह की ज़ात ने शफा अता फरमाई। जिस बीवी ने शोहर की मोहब्बत के लिए ये तस्बीह पढ़ी उसे शोहर की तवज्जो, मोहब्बत और इज़्ज़त मिली, और जिस शोहर ने यह तस्बीह पढ़ी उसे बीवी की तरफ से नेक नामी और इंतहाई सुकून मिला। जो लोग अरसा दराज से रिस्क की तलाश में थे उन्हें बेहतरीन रोज़गार मिला। जिनके हर काम में रुकावट आती थी उन्हें रुकावटें दूर होने के आसार घंटों में नज़र आने शुरू हो गए। अलगर्ज, इस तस्बीह के फ़ज़ाइल व फ़वाइद इस कदर हैं कि बयान से बाहर हैं। नाज़रीन, हमारे बुज़ुर्गों ने इस तस्बीह के बढ़ते हुए फैज़ को देखते हुए 27 रमज़ानुल मुबारक की शब को कुछ नकूश तहरीर फरमाए जिन पर यही तस्बीह सिलसिले के मुख्तलिफ अफराद ने मिलकर करोड़ों की तादाद में पढ़कर दम की। अलावा अज़ीन, जो साइलिन हमारे दुआ प्रोग्राम में दुआ करवाने के लिए हर जुमेरात को अपना अपना इसमें आज़म तलावत करके हमें अरबों खरबों की तादाद में अरसाल करते हैं, उनके इस जिक्र को अल्लाह के हजूर पेश करने के बाद इसमें आज़म का दम भी इस नक्श पर हर जुमेरात को किया जाता है। ये नक्श हलल मुश्किलात है, यानी हर मुश्किल का हल। इस नक्श को जिन अफराद ने अपने नाम मंसूब करवा के हासिल किया है उनके हर काम में आसानियाँ पैदा होती गईं। इस नक्श को पास रखने से दिलो दिमाग में हर वक्त सुकून की कैफियत रहती है और इस नक्श में मौजूद मुकद्दस कलिमात चूँकि अल्लाह पाक के तारीफ़ी कलिमात हैं, इसलिए जिस शख्स के पास इन अल्लाह के तारीफ़ी कलिमात वाला नक्श होता है तो हर शख्स को उसमें ऐसी खूबियाँ दिखाई देने लगती हैं कि बेख्तियार उसके दिल में साइल की इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा होती है। अगर आपके पास अल्लाह के पाक नामों का ये नक्श मौजूद है और आप कहीं इंटरव्यू में कामयाबी चाहते हैं या किसी से कोई जायज़ बात मनवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि फलां घराने में आपकी बेटी की शादी हो जाए या किसी ऑफिस में जॉब मिल जाए या फिर आपके रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के दिलों में आपकी मोहब्बत कायम हो जाए या औलाद ताबेदार हो जाए या शोहर आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाए या दुश्मन दोस्त हो जाए, तो ये नक्श इस मामले में बेहद रूहानी तासीर का हामिल है।
जिसकी बरकत से लोगों के दिलों से आपके लिए हमेशा मोहब्बत, तारीफ और दुआएं निकलेंगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, नक्श हलल मुश्किलात के मुकम्मल फ़ज़ाइल हम वक्त की कमी की वजह से बयान नहीं कर पाएंगे, लिहाजा आप किसी भी जायज़ मकसद के लिए ये नक्श हमसे बतौर 1400 रुपये हदिया या फिर अहद के ज़रिए फ़ी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फैज़ यकीनी होगा। नक्श मंगवाने के लिए मर्द हजरात हसनैन साहब से 03065111214 पर और ख़वातीन 03217970893 पर राबता कायम करें। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए हमारी वेबसाइट www.pray.net.pk पर विज़िट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।